हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसाला चाय की मसाला बनाने वाले हैं। चाय तो हर घर में बनती है, पर एक चुटकी चाय मसाला डाल देने से उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। परफेक्ट रेशियो के साथ सारे मसाला हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच सौंफ ले लिया है, 2 बड़े चम्मच इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च ज़्यादा तीखा लगता है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लौंग, 1 जायफल लेंगे। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 1 टुकड़ा जायफल का ले। यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े सौंठ के ले लिए हैं, जो सूखे अदरक होते हैं। अभी गर्मी का महीना चल रहा है तो मैंने सौंफ थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसका तासीर ठंडा होता है। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो सौंठ का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि ये गर्मी देता है, और सौंफ का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दें। 2 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, इसका स्ट्रांग फ्लेवर रहता है तो ज़्यादा ना ले। 2 बड़ी इलायची लेंगे, इसका छिलका नहीं डालना है, सिर्फ इसका बीज डालना है। छिलका को आप किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्टार फूल लिया है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तुलसी का सूखे फूल है और ये गुलाब की सूखी हुई पंखुड़िया है। ये दोनों चीज़ें चाय मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। अब इन सारे मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, धीमी आंच में हल्का हल्का भून लेंगे ताकि इसका जो ऑयल होता है वो एक्टिवेट हो जाए, सारा फ्लेवर खुल कर आएंगे ऐसा करने से। एकदम धीमी आंच में कुछ मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हाथ को छूने में मसाले अच्छे से गरम लगे उतना ही हमें रोस्ट करना है। अभी सारे मसाले अच्छे से गरम हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पैन में ही ठंडा होने देंगे, ताकि मसाले में जो नमी होगा वो निकल जाएगा और इसे हम पीस कर लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अभी सारे मसाले अच्छे से ठंडा हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं, अब हम इसे पीस लेंगे। सौंठ, जायफल और दालचीनी को निकाल लेंगे और हल्का सा कूट लेंगे, ताकि हमें इसे ग्राइंडर में पीसने में आसानी हो। अगर आपके पास इन मसालों में से 1-2 मसाला नहीं है तो उसे स्किप करके भी चाय मसाला तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसे दरदरा कूट लिया है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और सारे मसाले को हम एक साथ पीस लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहे तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके बनाकर फ्रेश से इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा दिन स्टोर करके रखेंगे तो इसका जो मसाले का फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है। देखिए, मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है और इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। अब हम इस मसाले को एक डिब्बा में भर लेंगे, डिब्बा एकदम टाइट होना चाहिए ताकि जो इसकी खुशबू है वो बरकरार रहे। देखिए, मैंने इसे डिब्बे में भर लिया है, अब हम इसकी लीड लगा लेंगे एकदम टाइट। अभी वीडियो छोड़ के मत जाइए, अभी हम चाय भी बनाएंगे और इसे कितना इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए चाय बना लेते हैं। अभी मैं 1 कप ही चाय बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। पानी को अच्छे से उबलने देंगे, उसके बाद हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे। मुझे एकदम कड़क चाय पसंद है, तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती डाला है, आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। पानी और चाय पत्ती को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। मैं यहाँ पर गुड़ वाला चाय बना रही हूँ, तो चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाय पत्ती के साथ चीनी भी डालें। चाय के उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। दूध को भी हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे करछी चलाते हुए। चाय की जो मसाला होता है उसे एकदम लास्ट में डालना होता है, अगर उसे आप ज़्यादा देर उबाल लोगे तो वो एकदम कड़क टेस्ट देता है। तो चाय अच्छे से उबल जाने के बाद एकदम लास्ट में हमें चाय मसाले का इस्तेमाल करना होता है। हमने चाय में चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि गुड़ को ज़्यादा देर उबलने से दूध फट जाता है, तो हम एकदम लास्ट में गुड़ डालेंगे। दूध डालने के बाद चाय को उबलते हुए फिर से 5 मिनट हो चुके हैं और चाय में एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसमें एकदम थोड़ा सा मसाला लगता है, 1 कप में 1 पिंच का ही मसाला इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। चाय मसाला डालने के बाद हमें इसे 1 उबाल देना है, ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं उबालना है, क्योंकि ज़्यादा उबाल लेंगे तो फिर कड़क टेस्ट देगा। चाय हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे छान लेते हैं। आप बिना दूध के भी मसाला चाय बनाकर पी सकते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है और इसमें बहुत सारा औषधीय गुण भी होता है। हमने चाय में चीनी का
इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।